Welcome back again in the RPS online classes. Students, today we are going to learn about chapter 7. The name of the chapter is I Love My Home. Okay, students, इस चैप्टर को हमने पिछले क्लास में पढ़ा था और समझा था और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग भी किए थे. आज उसी चैप्टर से स्टूडेंट हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग स्टूडेंट्स, आप लोग अपने सामने कॉपी रखोगे, पेंसिल रखोगे और इसमें जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आप लोग ठीक उसी तरह पहले इस वीडियो को देखोगे, समझोगे और देन अपनी कॉपी में नोट करोगे. ओके, सो लेट्स मूव. टिक द करेक्ट आंसर्स. इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस. इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा आपको उसे टिक करना है. ओके, वरुण एंड आरिफ प्लेड टूगेदर. वरुण एंड आरिफ एक साथ कब खेलते थे, एवरी डे खेलते थे या फिर एवरी वीक खेलते थे. ऑप्शन ए एवरी डे एंड ऑप्शन बी एवरी वीक. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए एवरी डे एंड ऑप्शन बी एवरी वीक. सो राइट आंसर इज एवरी डे. वरुण एंड आरिफ प्लेड टूगेदर एवरी डे. वरुण एंड आरिफ एवरी डे खेलते थे. ओके, नेक्स्ट. वरुण एंड आरिफ सैट इन द रॉकिंग चेयर एंड. वरुण एंड आरिफ रॉकिंग चेयर पे बैठते थे और क्या करते थे? तो ऑप्शन ए स्लेप एंड ऑप्शन बी रीड. वरुण एंड आरिफ रॉकिंग चेयर पे बैठते थे और क्या करते थे? वो स्लेप करते थे या फिर रीड करते थे? सो एज यू नो स्टूडेंट्स, वे लोग रीड करते थे. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी रीड. वरुण एंड आरिफ सैट इन द रॉकिंग चेयर एंड रीड. ओके, नेक्स्ट. आरिफ हैड ऑप्शन ए ओल्ड टॉयज एंड ऑप्शन बी लवली टॉयज. आरिफ के पास कैसा टॉयज था? ओल्ड टॉयज था या फिर लवली टॉयज था? So as you know students, Arif had lovely toys. Arif had lovely toys. So option B is the right answer. Okay. Next, Arif's mother cooked. Option A tasty food. Option B bitter food. What is the correct answer students? Arif's mother cooked tasty food. और ऑप्शन बी बिटर फूड. तो आरिफ की मदर कैसा फूड बनाती थी? टेस्टी फूड. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. आरिफ मदर कुक्ड टेस्टी फूड. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स. ड्राइव ट्रू और फॉल्स. इस सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस ट्रू है वहां हमें ट्रू लिखना है एंड जो फॉल्स सेंटेंस होगा वो हम उसमें फॉल्स लिखेंगे. ओके, वरुण एंड आरिफ वेयर फ्रेंड्स. तो ये सेंटेंस ट्रू है और या फॉल्स है? तो वरुण एंड आरिफ वेयर फ्रेंड्स, ये ट्रू है. वरुण एंड आरिफ फ्रेंड्स थे, सो ये ट्रू होगा. ओके, नेक्स्ट. आरिफ मदर डिड नॉट कुक फूड. आरिफ मदर डिड नॉट कुक फूड. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, फॉल्स. ओके, आरिफ की मदर टेस्टी फूड बनाती थी और इसमें कह रहा है कि आरिफ मदर डिड नॉट कुक फूड. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. सो हम इसमें फॉल्स लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट है. वरुण लाइक टू बी विद आरिफ. वरुण आरिफ के साथ रहना पसंद करता था. सो दिस सेंटेंस इज ट्रू. वरुण लाइक टू बी विद आरिफ, ट्रू. नेक्स्ट. वरुण स्पेंड द नाइट एट आरिफ हाउस. वरुण
नाइट में आरिस के घर में टाइम स्पेंड किया था? नो, दिस सेंटेंस इज फॉल्स. वरुण स्पेंड द नाइट एट आरिस हाउस. दिस सेंटेंस इज फॉल्स. ओके, वरुण नाइट में आरिफ के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था. जब जैसे ही नाइट हुई थी, जैसे ही रात हुई थी, वैसे ही वरुण को अपनी मम्मी की याद आने लगी और वो वहां से चला गया. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. ओके, नेक्स्ट है वरुण एंड आरिफ प्ले एंड रीड अ बुक. वरुण एंड आरिफ खेले और बुक को रीड किया. सो दिस सेंटेंस इज ट्रू. वरुण एंड आरिफ साथ में खेलते थे और बुक भी रीड करते थे. नेक्स्ट है वरुण मिस्ड हिज मदर. वरुण मिस्ड हिज मदर. वरुण अपनी माँ को मिस करता था. सो दिस सेंटेंस इज ट्रू. वरुण अपनी मदर को मिस करता था तो ये सेंटेंस ट्रू होगा. तो हम इसमें ट्रू लिखेंगे. ओके, सो एक बार इसे रीड हम करेंगे. वरुण एंड आरिफ वेयर फ्रेंड्स. ट्रू. आरिफ मदर डिड नॉट कुक फूड. फॉल्स. वरुण लाइक टू बी विद आरिफ. ट्रू. वरुण स्पेंट द नाइट एट आरिफ हाउस. फॉल्स. वरुण एंड आरिफ प्लेड एंड रीड अ बुक. ट्रू. वरुण मिस्ड हिज मदर. ट्रू. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा. आप लोग इसे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करोगे और इसे लर्न भी करोगे. ओके, थैंक.